दोस्तों, आपने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी ये तो जरूर बोला होगा कि आज मैं बाल बाल बच गया। लेकिन आज जिन लोगों की हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं, उन लोगों पर ये लाइन बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि ये लोग शायद दुनिया के सबसे खुशकिस्मत लोगों में से एक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। दोस्तों, ये बंदा बड़े ही मजे से काइट सर्फिंग कर रहा था, लेकिन अचानक से तेज हवा चलने के कारण ये अपनी काइट को संभाल नहीं पाया और हवा में आप अचानक से उड़ने लगा। खुशकिस्मती से इसने अपने आप को जैसे तैसे संभाला और गहरे समुद्र में गिरने से बचा लिया। दोस्तों, ये आदमी अपने स्नोमोबाइल से बड़े ही तेज रफ्तार से बर्फ के इन पहाड़ों से होते हुए जा रहा था कि तभी अचानक से इसकी स्नोमोबाइल कुछ ज्यादा तेज स्पीड पकड़ लेती है, जिसके कारण ये उसे संभाल नहीं पाता और एक चट्टान से टकरा जाता है। स्नोमोबाइल के ठुकते ही आदमी पहाड़ के नीचे फिसलता जाता है। गनीमत से ही अपने आप को गहरी खाई में गिरने से बचा लेता है। दोस्तों, क्या होगा अगर आप अपनी गाड़ी आराम से चला रहे हो, तभी आपको अचानक से सामने वाला एक ट्रक डांस करते हुए दिखाई दे। कुछ ऐसा ही वीडियो में देखने को मिल रहा है। सामने चला रहा ट्रक कुछ ऐसे लहरें मारने लगता है कि मानो डांस कर रहा हो। ये बंदा बिना डरे इस बड़े से अजगर के अंडे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही ये इसके सामने जाता है, अजगर उसके मुंह पर हमला कर देता है। गनीमत रही अजगर इस आदमी को नुकसान नहीं पहुंचा पाया। ये जहाज आराम से समंदर में घूम रहा था कि तभी अचानक एक बड़ी सी लहर इससे टकरा जाती है। जहाज के अंदर बैठे हुए लोग शायद इस मंजर को कभी भूल ना पाए। ये प्लेन आराम से लैंडिंग करने ही जा रहा था कि अचानक से इसके सामने दूसरा प्लेन आ जाता है। थोड़ी सी भी गलती होती तो दोनों टकरा सकते थे। दोस्तों, वॉक करना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन कृपया वॉक करते समय अपने आसपास जरूर ध्यान रखें कि कहीं कोई पेड़ अचानक से आप पे न गिर जाए। गनीमत से इस वीडियो बनाने वाले की किस्मत अच्छी थी कि वो पेड़ गिरने वाली जगह से काफी आगे जा चुका था। दोस्तों, कभी कभार सुनसान हाईवे पर रात को गाड़ी चलाना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। कुछ ऐसा ही हुआ इन लोगों के साथ। ये लोग आराम से घने कोहरे में अपनी गाड़ी चला रहे थे कि तभी अचानक से इन्हें सड़क पर दो घोड़े दिखाई देते हैं। गनीमत से ड्राइवर ने सही समय पर गाड़ी मोड़ ली, वरना आगे क्या होता ये तो आप जानते ही हैं। दोस्तों, बाइक ड्राइवर आराम से अपनी बाइक लेकर सड़क पर रॉन्ग साइड जा रहा था कि तभी अचानक दो तेज रफ्तार बाइक इसके सामने से होते हुए गुजरी। गनीमत रही इसकी बाइक उनसे नहीं टकराई और उनकी जान बच गई। दोस्तों, इस आदमी को आप एक बेकार बॉलर भी कह सकते हैं या एक अच्छा बॉलर भी कह सकते हैं, ये हम आप पर छोड़ते हैं। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि जाको राखे साइयां मार सके न कोई, शायद इस आदमी के साथ भी कुछ ऐसा ही है। देखिए कैसे ये चलती सड़क में आराम से चलता हुआ आ रहा है। गाड़ियां इसके आसपास से गुजरती हुई जा रही हैं, पर इसे तो मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। दोस्तों, ये स्कीयर पहाड़ से नीचे जाने ही वाला था कि तभी अचानक से आगे जाने की जगह गलती से पीछे फिसल जाता है और बस पीछे फिसलता ही जाता है। गनीमत से अपने आप को जैसे तैसे संभालता है और अपनी जान बचा लेता है। दोस्तों, एलन मस्क भले ही रॉकेट लॉन्च करने के लिए करोड़ों का खर्चा करता हो, लेकिन शायद इन लोगों को अपना रॉकेट लॉन्च करने के लिए करोड़ों की जरूरत नहीं है। देखिए कैसे अपनी बोतल को रॉकेट जैसा उड़ाकर बॉटल फ्लिप चैलेंज पूरा कर रहे हैं। भाई, कहना पड़ेगा इन लोगों में दिमाग तो है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये 250 किलो भार उठा पाएगा?
सोचिए मत, देखिए इनकी किस्मत अच्छी थी कि ये उसके पेट पर नहीं गिरी, वरना आज तो इनका कचुंबर निकल जाता। दोस्तों वो कहते हैं ना कि जीत से पहले जीतने की खुशी नहीं मनानी चाहिए, कुछ ऐसा ही हुआ इस फुटबॉल टीम में। इस लड़के ने जैसे ही फुटबॉल पर किक करा वो गोल पोस्ट से टकराकर हवा में उड़ गई। गोलकीपर को लगा हम गेम जीत गए, लेकिन तभी कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाता है, बॉल वापस आकर गोल पोस्ट में चली जाती है। अब दोस्तों इसे कहते हैं ना हारी भी बाजी को दोबारा जीत लेना। दोस्तों ये आदमी सीढ़ियों पर चढ़कर अपना काम कर रहा था, लेकिन इसको शायद ही पता होगा कि नीचे खड़ा इसका दोस्त आज उसकी जान बचा लेगा। अचानक से सीढ़ियों पर चलती है और वो नीचे गिर जाता है। समय पर उसका दोस्त उसे पकड़ लेता है और फिर उसे टाइटैनिक पोज देखने को मिलता है। दोस्तों ये लोग आराम से अपनी बोट में समंदर की लहरों के मजे ले रहे थे और बोट चलाते चलाते एक दूसरे से बात कर रहे थे कि तभी अचानक इनके बीच में एक किलर व्हेल आकर उछल पड़ती है। किस्मत से किसी को भी चोट नहीं लगती और सभी सुरक्षित बच जाते हैं। दोस्तों कहते हैं ना जब किस्मत मेहरबान तो गधा भी पहलवान, कुछ ऐसा ही इस वीडियो में देखने को मिल रहा है। देखिए आदमी अपने टेबल पर गोल मारने की कोशिश करता है, लेकिन बॉल जाती है दूसरे टेबल पर और उस पर गोल हो जाता है। इसकी खुशी देखकर लगता है मानो उसने कोई लॉटरी जीत ली हो। दोस्तों बर्फ में रास्ता साफ करने वाली ये गाड़ी आराम से अपने रास्ते पर जा रही थी, तभी अचानक से एक स्केटबोर्डर तेजी से इसके सामने से निकलता है। स्केटबोर्डर की किस्मत अच्छी थी जिसकी वजह से वो बाल बाल बच गया। दोस्तों स्कूबा डाइवर आराम से समंदर के पानी के मजे ले रहा था, लेकिन इसको शायद भी पता था कि जिस समंदर के बीच में घूम रहा है उसके ऊपर से बड़े बड़े जहाज होकर गुजरते हैं। तभी अचानक से एक बड़ा कार्गो शिप स्कूबा डाइवर के ऊपर से होते हुए गुजर जाता है। गनीमत रही कार्गो शिप के ब्लेड स्कूबा ड्राइवर को नहीं लगे, वरना आगे क्या होता ये तो आपको पता ही है। दोस्तों लगता है ये आदमी भूल गया है कि इस शिप को पानी से लॉन्च किया जा रहा है। तभी तो जैसे ही शिप को पानी में लॉन्च किया जा रहा होता है ये उसके बीच में जाकर खड़ा हो जाता है। इसके बाकी साथी चिल्लाकर इसको इसकी गलती का एहसास करा देते हैं और समय पर इसको बाहर निकलवा लेते हैं। वरना आज शिप लॉन्च होने के साथ इसकी चटनी जरूर बन जाती। दोस्तों ये बंदा आराम से अपनी मोटरसाइकिल चलाते हुए खुली रोड का मजा ले रहा था, लेकिन इसको शायद ही पता था कि आगे इसके साथ क्या होने वाला है। ये बाइक चलाते हुए गलती से रॉन्ग लाइन में चले जाता है और तभी सामने से 120 किलोमीटर की रफ्तार से बाइक के गुजरने लगती है। इसकी किस्मत अच्छी थी कि उनमें से किसी से भी नहीं टकराया। दोस्तों दुनिया में सिर्फ दो ही लोग हैं जो कभी नहीं मरने वाले, पहले क्वीन एलिजाबेथ और दूसरी है एक कैमरामैन जो शार के मुंह से बचकर बाहर आ गया। शायद शार का पेट भरा हुआ था जो उसने इसे दोबारा खाने की कोशिश नहीं की। ये बंदा आराम से अपना पैराशूट उड़ा रहा होता है कि तभी तेज हवा के चलने के कारण इसका बैलेंस बिगड़ जाता है और ये सामने खड़ी चार बड़ी बड़ी बिल्डिंग के बिल्कुल बीचों बीच गुजरते हुए निकलता है। गनीमत रही ये किसी भी बिल्डिंग से नहीं टकराया। दोस्तों ये सारे टूरिस्ट आराम से बैठकर वेल्स की फोटो खींच रहे थे, उन्हें क्या पता था कि एक बड़ी वेल बिल्कुल इनके सामने है। वेल बिल्कुल इनके सामने आकर उछलती है और सबको गीला कर देती है। दोस्तों ये बंदा आराम से समंदर में सर्फिंग का मजा ले रहा था, लेकिन इसको शायद ही पता था कि इसके पीछे तेज लहर इसका इंतजार कर रही है। जैसे ये पीछे मुड़कर देखता है तो घबरा जाता है और अपने आप को तेज लहरों से बचाने की कोशिश करता है। गनीमत रही तेज लहरों के बावजूद ये समंदर में नहीं डूबता। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।